और इसी बीच रुक करेंगे हरदोई का। हरदोई से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें हरदोई में दबंगों ने किसानों पर पथराव कर दिया है। दरअसल तरबूज बेचने जा रहे किसानों पर दबंगों ने हमला कर दिया। दबंगों ने घेराबंदी कर जमकर पथराव किया किसानों पर। बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। आपको बता दें जहां पर किसानों पर दबंगों की दबंगई का मामला ये सामने आया है, जहां पर किसानों पर दबंगों ने पथराव कर दिया है। पथराव में 3 किसान गंभीर रूप से घायल हो गए। तो वहीं बिलग्राम के पसनेर अख्यातरापुर का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर ये मामला सामने आया है, जहां कुछ दबंगों ने किसानों पर हमला कर दिया और इस हमले में 3 किसान गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इसके साथ ही हरदोई से इस वक्त की बड़ी खबर। बता दें किसान तरबूज बेचने के लिए जा रहे थे और इसी दौरान दबंगों ने किसानों पर हमला कर दिया। दबंगों ने घेराबंदी कर जमकर किसानों पर पथराव किया, जिसकी वजह से पथराव में 3 किसान गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया गया। बिलग्राम के पसनेर अख्तियारपुर का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। और ये सुशील कुमार मामला दिन ब दिन तूल पकड़ता जा रहा है। छत्रसाल स्टेडियम की पार्किंग में शूट किया गया सागर के साथ मारपीट का वीडियो भी तेजी से वायरल होने लगा है। और इसी बीच अब सुशील कुमार से जुड़े मामले की मीडिया कवरेज पर रोक लगाने को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर दी गई है, जिस पर अदालत कल सुनवाई कर सकती है। आपको बता देंगे पुलिस 25 मई को गिरफ्तार सुशील कुमार के 4 साथियों को छत्रसाल स्टेडियम भी ले जा सकती है। दरअसल ये वही जगह है जहां पर सागर की हत्या की गई थी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने सुशील कुमार के साथ एक और साथी रोहित करोर को गिरफ्तार कर लिया है। इसी के साथ ही आपको बता दें इस पूरे मामले में अब तक 8 लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं।